खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। देश की बेरोजगारी दर में कितनी आई कमी? बीमा कंपनियों पर क्या लगा आरोप? टोल नाकों पर झगड़ने वालों के लिए एनएचएआई ने क्या जारी किए निर्देश? बताएंगे आपको, और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स का पहला डब्बा खोलते हैं तो उसमें से निकल कर आती है बेरोजगारी से जुड़ी खबर। देश में बेरोजगारों की संख्या तेजी से कम हो रही है, ऐसा सरकारी आंकड़ों का कहना है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की ओर से जारी आंकड़ों में ये तथ्य निकल कर आया है कि देश में जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच 15 साल और उससे ज्यादा आयु की बेरोजगारी दर 6 साल के निचले स्तर यानी कि 3.2% पर रही है। 2021-22 में यह 4.1% पर थी। बेरोजगारी या बेरोजगारी दर को श्रमबल में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। अगर आप स्विगी से खाना मंगाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। स्विगी ने अपने मेंबरशिप प्रोग्राम स्विगी वन का लाइट वर्जन स्विगी वन लाइट लॉन्च किया है। इसमें केवल 99 रुपए में 3 महीने के लिए फ्री डिलीवरी, एक्सक्लूसिव ऑफर और डिस्काउंट का फायदा मिलेगा, जिसमें कस्टमर्स को कई सारे बेनिफिट्स सस्ते में उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसमें फूड, ग्रोसरी, पिकअप एंड ड्रॉप जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। अब टोल नाकों पर झगड़ा करने वालों की खैर नहीं। टोल प्लाजा पर झगड़े रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने सभी टोल प्लाजा के लिए नियम जारी किए हैं। नियमों के तहत टोल कर्मचारियों को उन लोगों का वीडियो बनाने का अधिकार होगा जो टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से झगड़ा करते हैं। इसके अलावा टोल कलेक्शन एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी टोल कर्मचारी एनएचएआई के बताए ड्रेस कोड का पालन करें। अगर टोल नाके पर किसी तरह की हिंसा होती है तो उससे निपटने का अधिकार टोल मैनेजर या लेन सुपरवाइजर को होगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि लेन सुपरवाइजर को बॉडी कैमरा पहनना जरूरी है और अगर टोल प्लाजा पर किसी तरह का झगड़ा होता है तो उस कैमरे से रिकॉर्डिंग करनी होगी। इसराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग का असर अब दिखने लगा है। इस युद्ध का असर सोने और चांदी की कीमतों के साथ शेयर बाजार पर भी पड़ा है। सोने चांदी की कीमतों में जहां उछाल आया है वहीं शेयर बाजार में गिरावट देखी गई है। सोने के वायदा भाव आज तेजी के साथ खुले। MCX पर सोने का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट आज 117 रुपए की तेजी के साथ 57,679 रुपए के भाव पर खुला। जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस समय यह कॉन्ट्रैक्ट 167 रुपए की तेजी के साथ 57,740 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा था। इस समय इसने 57,740 रुपए के भाव पर दिन का उच्च स्तर और 57,679 रुपए के भाव पर निचला स्तर छू लिया। मई महीने में सोने के वायदा भाव ने 61,845 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया था। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां इंडिया के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं। यह आरोप लगाया है अस्पतालों के संगठन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया ने। संगठन ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर गुटबंदी करने का आरोप लगाया है। ये कंपनियां अस्पतालों को कैशलेस सुविधा को सामूहिक रूप से बंद कर रही हैं। इससे मरीजों को उपचार के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। बीमा कंपनियां मरीजों की ओर से किए गए दावों को भी गलत ढंग से खारिज कर रही हैं। अब लंच बॉक्स के अगले टिफिन में एक अच्छी खबर है। कच्चे तेल में उछाल आने के बावजूद पेट्रोल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस का कहना है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव की वजह से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखा जाएगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पिछले साल कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बावजूद ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई थीं। इससे वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में इन कंपनियों को भारी नुकसान हुआ था। और लंच बॉक्स के आखिरी डिब्बे में है रियल एस्टेट से जुड़ी खबर। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनारॉक ने डेटा जारी किया है जिसके हाउसिंग सेक्टर के लिहाज से बेहद खास माने जाने वाले 7 शहरों को लेकर ये डेटा जारी किया गया है। इसमें दिल्ली NCR, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे शामिल हैं। डेटा के मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान अफोर्डेबल घरों की सप्लाई इन 7 शहरों में 18% कम हुई है, जो 2018 में समान तिमाही में 42% ज्यादा रही थी। 2018 के बाद से ही अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में गिरावट आती रही है। जुलाई से सितंबर 2019 के दौरान अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स की सप्लाई में 41% का उछाल देखने को मिला था, जो 2021 के समान तिमाही में घटकर 24% रह गया था। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी।
अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर 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 बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी नाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी नाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता, अभी लेता हूं विदा, धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।